तो जों जतनो सैमाका त्रिपुरा हास्तेव जे कायसा माने विषय फैगासिनो बुसकाङो नरब जतनुखा गोबांमा थायो जेबाबे अमनतै विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न संगठन अमनतै कायसा बाहायके त्रिपुरा राज्यव उशृंखल तैरि खाइजान चेष्टा खायका जागा जागा अनेक गंडगोल खाइजान चेष्टा खायका किन्तु सिनो राज्यनि बरंगनां जतन खासुकसा मुख्यमंत्री सार जेबाबे विषयन गुरुत्व सहकारे चीनी जरा कुंथेपरा जनजाति छात्र छात्री रंगई कब नारा गई बाहेक बरण भविष्य न बरणे छात्र छात्री पोकुनो प्रॉब्लम जाते होंगे चीनी राज्य मुख्यमंत्री बार बार सैथांग विधानसभा सका बक जनजाति उन्नति सारा कुनो त्रिपुरा उन्नति हुई मिया बार बार विरोधी दल नेता कब जो सप्र बकनो सका जे राज्य सरकार जनजाति उन्नयन बगे सब समय आगे तंगाई हमेशा बरम लगे तंगाई किन्तु चुमुक जाखाता मजाक विगत दिनों किसु राजनैतिक दल अमन जेबाबे माने बरंगी राजनैतिक लाभालाभ दानान बागै नाय ओ जिनिसनो कायसा उशृंखल तैरि खायनो बाहायखाय जाति जनजातिनि बिसिं कायसा तैरि खायनो बागै बरफ चेष्टा खा आबन बागै आं ओ जिनिसनो सेलांगो आर चीनी राज्यनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह सारनो ते चीनी केन्द्रनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनो ते चीनी राज्यनि चीनी प्रदेश सभापति राजीव भट्टाचार्य जिनो बेलाय बेलाय पाई पाई हम भाई मारे हो कारण जनजाति उन्नयन बागे ये परीक्षा थे जे समस्या फाइमानी आबन द्रुत सहकारे भाई खाई समस्या समाधान खाईका आबन बागे चुन राज्यवासी होते बेलाय बेलाय खाई चीनी मोदी मानिक शाह सरकार चुन पाई पाई हम भाई मारे हो आर आगामी दिनों जनजाति प्रति समस्या हो राज्य सरकार बन पास तंगना हमेशा चीनी मोदी जी चीनी मानिक शाह जी चीनी राज्य सभापति सब समय चेष्टा खाई दूँ जो जनजाति प्रति छात्र जाते बर भविष्य नायत्व खाए बरफ कुछ जगह थाना विभिन्न सेक्टर बरफ थाना बगे उन्नयन बगे सरकार चेष्टा खाई दूँ आवन बगे आंगे माध्यम कैसा कचाना चौंखना चीनी माँ सरस्वती पूजा छात्र परीक्षा जाते नायथक सुंदर गाहम बगे बर भविष्य उज्जवल जाते नायथक कायथाना बगे चीनी राज्य मुख्यमंत्री सहित जे बरण प्रति जगह चुन बरण परीक्षा ने बगे साफल्य कामना खाइ बरम जाते भविष्य नायत्व की जाना बगे जतना हम भाई सबसे पहले ये आप शुभेच्छा और अभिनंदन आज के जे विषय हमारे स्क्रिप्ट नहीं हमारा सबा गत परशु दिन देखे विभिन्न जगह स्क्रिप्ट नहीं सामने जा एक विषय इस विषय खुबी त्रिपुरा वासी देखे एक বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এই বিষয়টা নিয়ে তারপরে আমাদের অনেক রাজনৈতিক দল সেটাকে লাভালাভ করার জন্য অনেক চেষ্টা করছে যে কিভাবে একটা ছাত্রদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা যায় কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা দেখেছি যারা এইরকম চিন্তা ভাবনা করছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সুনামধন্য চিকিৎসক তথা শিক্ষক छात्र छात्री माथाय रेखे जनप्रिय मुख्यमंत्री एक तो प्रकृत अभिभावक हिसाब से समस्या सामने इसे से समाधान कर द्रुत गतकाल देखे क्यों समाधान जाए माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा जनजाति उन्नति छाड़ा को दिन त्रिपुरा उन्नति होते पारे ना তাই জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই এত বড় বিষয়টা যে এসেছে আমাদের সামনে সেটা সমাধান হয়েছে তার জন্য আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি আমি একজন জনজাতি সম্প্রদায় হিসেবেও আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সমস্ত আমাদের রাজ্য সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্যের মাননীয় লোকপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ স্যার এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কেও অনেক ধন্যবাদ জানাই যে বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে সমাধান করার জন্য তো আমরা এই পরিস্থিতির মধ্যে যারা এই বিষয়টাকে জনজাতিদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন যে এই বিষয়টা নিয়ে কারা রাজনীতি লাভালাভি করার চেষ্টা করছে সে তার সেই বিষয়ে আমি আর বলবো না কারণ আপনারা সবাই জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারাই বিগত দিনে সরকারে ছিল তারা এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে কোনো সমাধান করতেই চায়নি কিন্তু আমাদের সরকার যখনই এইরকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই সমাধান করছে তার পাশাপাশি আগামীকাল আমাদের মা সরস্বতী পূজা এই পুজোর দিনকে সামনে রেখে আমরা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীকেও আমরা আগাম শুভেচ্ছা জানাই এবং ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনে এই যে পরীক্ষা নিয়ে
যারা বসবে তাদেরকেও আমরা আগাম শুভেচ্ছা দেই এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাতে তাদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনে ভালো হোক, সুস্থ হোক এবং তারা পরীক্ষাগুলো দিনগুলো যাতে ভালো যাক, এই কয়েকটা। এখন আমি কক বরক দিয়ে এক্সপ্লেন করব। তো বিভ্রান্ত, আমরা আপনারা সবাই জানেন বা দেখেছেন যে নিউজ মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেটা আমরার অভিযোগ, সেটা আমরা দেখেছি যে কমিউনিস্ট পার্টি যারা বিগত দিনে সরকারে ছিল তারা ওনাদের যে রাজ্য সম্পাদক বারবার বলছেন এই রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে, তখনও তো এই বিষয় নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল, তারা কোনোদিন এই জিনিসটাকে সমাধান করতে তারা চায়নি, কারণ তারা শুধু জনজাতিদেরকে কিভাবে ভোটার ব্যাংক হিসেবে রাজনীতি করবে এই লাভালাভি দান্দায় তারা কোনোদিন এটা সমস্যার চেষ্টাই করেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গতকালকে পর্যন্ত সেটা তো বিগত দিনের সিদ্ধান্তেরই একই রকম, মানে বিগত দিনও বাংলায় এবং হরফে পরীক্ষা না হতো এবং গতকালকে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগের মতো করে, সুশান্ত চৌধুরী বলেছেন আগের মতো করেই চলবে, মানে একই সিদ্ধান্ত ফলো করা হচ্ছে, তাহলে বিভ্রান্তি মানুষকে উস্কানিমূলক, তারা প্রেসের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিভাবে উস্কানি দিয়ে আমাদের যারা সহজ সরল জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদেরকে উস্কানি দিয়ে এই জিনিসটাকে কিভাবে উশৃঙ্খল তৈরি করা যায়। আর যেটা আমার একটা মিডিয়া ভাই বলেছে যে আগের মতনই যে বিষয়টা সিবিএসই প্যাটার্নে কোনোদিন ছিল না, সিবিএসই প্যাটার্নে এই প্রথম ফার্স্ট পরীক্ষা হতে যাচ্ছে। प्लेटफॉर्म है तो ये सीबीएसई का मैटर नहीं है, ये टीबीएसई का मैटर है और उसमें हमेशा दो ही लैंग्वेज में लिखा जाते थे, तो इस बार इसको चेंज क्यों किया और लास्ट मोमेंट पे जब मंथ कॉल किया गया उसके बाद ये डिसीजन लेने के पीछे क्या कारण है? नहीं नहीं, सीबीएसई और त्रिपुरा बोर्ड अलग है, त्रिपुरा बोर्ड में पहले से बंगाली स्क्रिप्ट और रोमन स्क्रिप्ट में था लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं था। सीबीएसई बोर्ड में इस साल पहली बार जो कॉक वर्क सब्जेक्ट एग्जाम होने जा रहा है, तो सीबीएसई में वो एनसीईआरटी के अंदर आता है, एनसीईआरटी के अंदर में जो गाइडलाइन होता है उसी के अंदर ये एग्जाम्स होना पड़ता है, ये जो एग्जाम्स होता है उसमें सभी लैंग्वेज जो है बंगाली स्क्रिप्ट से लिखता है, लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है बंगाली वो लोग बंगाली से लिखता है पहले से। अभी जो नया समस्या आया है वो कॉक वर्क सब्जेक्ट को लेकर, जो स्क्रिप्ट रोमांच से लिखना पड़ेगा वो समस्या था, लेकिन हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिन पहले से ही दो बार एनसीईआरटी का चेयरमैन को ऑलरेडी चिट्ठी लिखा है कि त्रिपुरा के स्टूडेंट के लिए ये एग्जामिनेशन देने के लिए ताकि उन लोग लिखते वक्त सुविधा हो रोमांच स्क्रिप्ट से, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी दिया है। तो कल जो समस्या का समाधान हुआ है वो उसी के आधार में हुआ है, ये कोई बंद की वजह से कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के रोड ब्लॉक करने से ये समाधान नहीं हुआ है, ये हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी पहले से केंद्र सरकार को एनसीईआरटी के चेयरमैन को ये चिट्ठी दे चुका है। ये हमने बोन के आगे भी हमारा जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष इस बात को ऑलरेडी बोल चुका है, दो बार केंद्र सरकार को चिट्ठी दे चुका है कि इसकी समाधान करने के लिए, और हुआ है, इसमें कोई किसी का राजनीतिक बन की वजह से या रोड ब्लॉक की वजह से ये समाधान नहीं हुआ। राज्य सरकार हमेशा ही जनजाति के पास है और जनजाति स्टूडेंट के लिए राज्य सरकार और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा प्रदेश अध्यक्ष सभी, ताकि उन लोगों का भविष्य कुछ अच्छा हो, उन लोगों का सुविधा हो लिखने में, इसी में आधार कार्ड का सरकार काम कर रहे हैं। पार्टी स्क्रिप्ट के बारे में शायद एनसीईआरटी डिसीजन नहीं लेता, उस इस डिसीजन को स्टेट को लेना पड़ता है, जो पहले से ही था उसी को फॉलो अप किया गया है। तो नहीं, वो सॉल्यूशन कहां लाया गवर्नमेंट सॉल्यूशन, मुझे जानना है कि नया क्या है, पर स्क्रिप्ट के बारे में तो एनसीईआरटी डिसीजन नहीं लेता, एनसीईआरटी छोड़ देता है स्टेट के ऊपर। नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन होता है उसी के अंदर में बोर्ड चलता है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है त्रिपुरा बोर्ड में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में जो जितना बोर्ड चलता है सीबीएसई बोर्ड, वो तो सीबीएसई का सेंट्रल का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है उसी तहत ये चलता है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का फॉलो से नहीं चलता है। सीबीएसई नहीं, ऑर्डर का विषय नहीं, सीबीएसई का गाइडलाइन में जो है जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट है बंगाली है तो वो बंगाली से लिखेगा, स्क्रिप्ट का वहां कोई रोमन का विषय नहीं है। लोग इसको अभी एनालाइज करते हैं क्या कॉक वर्क जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग बंगाली से लिखना पड़ेगा,
ये जो एक ग्राउंड में मैसेज जा रहा है उसमें डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कि आप रोमान से लिखना मना है, बेंगोली से लिखना मना है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में जो गाइडलाइन है उसमें ये साफ है भारतीय स्क्रिप्ट जो भी होगा उससे ही आपको एग्जाम देना है। लेकिन भारतीय स्क्रिप्ट, भारतीय स्क्रिप्ट, अच्छा, चाहे वो देवनागरिक हो या कोई भी, तो रोमान क्या भारतीय स्क्रिप्ट नहीं है? मैं रोमान भारतीय स्क्रिप्ट ये नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिसियल वो तो रोमान से आया हुआ स्क्रिप्ट है, लेकिन और ऐसे ऑफिशियल हम लोग चलाने के लिए ओवरऑल इंडिया में ये अंग्रेजी हम लोग व्यवहार करते हैं, रोमान अल्फाबेट हम लोग व्यवहार करते हैं। तो रोमान अक्षर अगर व्यवहार कर सकते हैं तो एनसीईआरटी में कंगोरो के साथ क्या प्रॉब्लम था? नहीं, गाइड मैं वही बोल रहा हूँ ना, गाइडलाइन के जो है उसमें ही हम लोग रहना है। ये तो स्टेट की तरफ से क्लियर होना था जो अब तक नहीं हुआ और एक कंफ्यूजन हुआ है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन का यहाँ कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं, हम लोग वही बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी के अंदर में जो गाइडलाइन है उसी में फॉलो है, वरना सरकार थोड़ी चाहेगा कि जनजाति का स्टूडेंट का भविष्य खराब हो, वो कोई सरकार तो जानबूझकर एक प्रॉब्लम नहीं करता है, गाइडलाइन में लिखा है इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एक साल तक स्टेट गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिया इसके बारे में आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2-3 महीने ही हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में अपोजिशन लीडर माननीय अनिमेश देवर्मा जिस दिन पूछा था कि स्क्रिप्ट को लेके, माननीय मुख्यमंत्री तब भी बोला था दोनों स्क्रिप्ट में ही राज्य सरकार है, राज्य सरकार कभी बोला नहीं है कि रोमन का खिलाफ है या बेंगोली के खिलाफ है, कभी बोला नहीं, इसलिए दो बार एनसीईआरटी के चेयरमैन को हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुका है इसके लिए कि त्रिपुरा के स्टूडेंट के लिए कम से कम ये एग्जाम्पशन देना है ताकि वो लोग लिखने में सुविधा हो। तो फिर त्रिपुरा बोर्ड ने कंफ्यूजन क्लियर किया, माने क्रिएट किया? नहीं, वहाँ त्रिपुरा बोर्ड तो एक बार बता रहा था बांग्ला से होगा, फिर बता रहे हैं नहीं बांग्ला नहीं होगा, अरे रोमन से होगा, ये बोर्ड की तरफ से क्या कंफ्यूजन किया गया वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज को बहुत त्रिपुरा पॉलिटिकल एनालिसिस लेने के लिए जो अच्छा चीज था उसको भी खराब पोजीशन में लेकर गया है। अच्छा, बोर्ड का जो कंफ्यूजन था इसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है क्या? वो त्रिपुरा बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें ना राज्य सरकार का वो चलता है, वो अपना फूड कैसे स्ट्रेंथ लेना है, बोर्ड कैसे डेवलपमेंट होना है, वो बोर्ड के अथॉरिटी होता है। पर बोर्ड बार बार बता रहा है कि स्क्रिप्ट के बारे में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, कि बांग्ला और कॉकबरोक या बोथ, बोर्ड बार बार बता रहा है। नहीं, रोमान स्क्रिप्ट से अभी पूरा ओवरऑल इंडिया में आप देख सकते हैं कहीं पर भी एग्जाम्स पे नहीं लिखता है, लेकिन त्रिपुरा में कुछ जगह में ऐसा हो गया कि वो लोग रोमान से लिखना चाहते हैं कुछ कुछ लोगों का। अच्छा, ये पूरा रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में रोमान में कितना लोग लिखता है, बेंगोली स्क्रिप्ट में कितना लिखता है, वो मैं यहाँ वो नहीं करना चाहूंगी, आप लोग सारे पूरा मीडिया बंधु है, बहुत सारे वो है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में जाके रोमान से कितना लोग लिखते हैं, देवनागरी से या बेंगोली स्क्रिप्ट से कितना लोग लिखते हैं। अच्छा, और एक बात, लुशाई सब्जेक्ट में भी कॉकब्रोक से लिखा जाता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? लुशाई हाँ लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? कॉकब्रोक के साथ इतना क्यों प्रॉब्लम है? नहीं, कॉकब्रोक के साथ कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, आप इसको आप ये वो करने से नहीं होगा, कॉकब्रोक से कभी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? नहीं, कल जो आप देख सकते, मैं आपको छोटा सा एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी क्लास 5 से 9-10 पढ़ता है वो सभी बेंगोली स्क्रिप्ट में लिखता है पढ़ता है, कहीं पर भी समस्या नहीं है, ये कुछ लोगों का डिमांड है कि रोमान से लिखना है, ठीक है, राज्य सरकार ने इस बार तय किया है कि बेंगोली और रोमान दोनों स्क्रिप्ट में ही लिखे, इसलिए तो नहीं बोर्ड में त्रिपुरा बोर्ड में पहले से है, जो था त्रिपुरा बोर्ड में उसी को लोग लागू किया है, लेकिन सीबीएसई में नहीं था, सीबीएसई में इस बार पहली बार एग्जाम हो रहा, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि सीबीएसई में इस बार पहली बार कॉकब्रोक सब्जेक्ट वो आ रहा है, त्रिपुरा बोर्ड का कोई समस्या नहीं है यहाँ, समस्या यहाँ है सीबीएसई बोर्ड में जितना स्टूडेंट एग्जाम देगा कॉकब्रोक से उन लोगों का समस्या है, तो ये समस्या समाधान हुआ है, ठीक है। যারা এই চেষ্টা করছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা সুস্থ সমাজ পরিবেশকে কিভাবে একটা জাতি জনজাতিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়, তারা অনেকে চাইছে কি বেঙ্গলিরা নাকি এই কংগ্রেস সাবজেক্টকে আমাদের উপরে জবরদস্তি করে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টে চাপাই দিতেছে, এই যে একটা মানুষের মন গড়া কাহিনী বানিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা দেওয়ার চেষ্টা, তো আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা চাননি, কারণ
আমাদের রাজ্যের माननीय মুখ্যমন্ত্রী চাই জাতি জনজাতি সকল সমাজ সকল অংশের মানুষ যাতে উন ভবিষ্যৎ উন্নয়ন হোক সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়ে তাদের জীবন ভালো ভালো জায়গা যেতে পারে এরকম আমাদের माननीय মুখ্যমন্ত্রী চাই তো যারাই এরকম ভাবে আমি কোন রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করতে চাই উস্কানিমূলক দিয়ে কিভাবে একটা জাতি জনজাতির মধ্যে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছে।